लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। रीवा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दुख जताते हुए प्रशासन को समुचित इलाज एवं मदद के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने घटना को दुखद बताते हुए सरकार से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार के विजन पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सरकार बताए कि जो उसने वादे किए थे क्या वह पूरे हुए। ना बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना बेटियों को स्कूटी मिली और ना ही किसानों को अतिवृष्टि की राशि मिली और ना ही कर्ज की राशि मिली। उन्होंने कहा कि ये जुगाड़ की सरकार है और सिर्फ जुगाड़ करने में लगी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। और विजन डॉक्यूमेंट जारी क्यों कर रहे हैं? पहले एक साल में क्या किया ये बताओ। क्या 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ हो गए क्या? नौजवान को बेरोजगार मिल गया क्या? संविदा कर्मी नियमित हो गए क्या? बेटियों को स्कूटी मिल गई क्या? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार हो गया क्या? पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक न किसान को बोनस मिला, न अतिवृष्टि की राशि मिली, न कर्जे की राशि मिली। आत्महत्या मध्य प्रदेश का किसान कर रहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।